हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिनेट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के सेकंड वीडियो की। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी की। हम जानेंगे कि किस किस तरीके से हम जांच करें कि एक पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर डिजिट किस नंबर से और किस डिजिट से डिविजिबल है। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर वन, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। देखिए, टू की डिविजिबिलिटी के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आप समझना है। दो से भाज्य, अगर आपको भाज्यता की जांच करनी है तो कैसे करेंगे? कोई भी ऐसा नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और 0, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर के ऐसे डिजिट हैं किसी भी नंबर के लास्ट में आ जाए। मान लीजिए यहां पर आपने लिखा है 4, 8, 7, 9, 0, 1, 2। अब आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 2 है। लास्ट में अगर 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा, अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें 3 से, तो 3 से अगर हम देखेंगे थर्ड की बात, तो बहुत सिंपल यह समझना है क्या कि कोई भी ऐसे नंबर जिनके डिजिट का सम है ना 3 से डिवाइड हो। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर 4, 5, 6, 7, 3, सपोज ये है। अब आपको बताना है कि 7, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको आपको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आप पता लगाएंगे कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए, 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 6, 15, 15 प्लस 7 कितना होगा, 22, और 22 प्लस 3, 25। तो जब 25 है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहीं पर हम ले लेते हैं 4, 5, 6, 7, 2। अब आपको बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। चेक करते हैं, 4 प्लस 5, 9 प्लस 6 हमने कितना लिया, 15 प्लस 7, 22 प्लस 2 कितना होगा, 24। हमको पता है 24 और यह है 25। 25 जो होता है वो 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 24 3 की टेबल में आता है, इसीलिए यह नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी नंबर को आपको प्लस कर लेनी है जो भी डिजिट है, और उनको प्लस करके आपको देखना है कि उनका टोटल कितना आ रहा है। और वो टोटल अगर 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर की हम डिविजिबिलिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं 4। अगर आपको बताना है कि 4 से भाज्यता की अगर जांच करना है, तो 4 से कौन कौन से नंबर भाज्य होंगे वो आप चेक करेंगे, तो बहुत इजी है यहां पर। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना है लास्ट की 2 डिजिट। जैसे हम नंबर ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 0, सपोज ये है। चलिए, ये तो इजी नंबर हो गया, और बढ़ाएं इसको, चलिए यहां 8 ले लेते हैं। अब ये नंबर आपको पता लगाना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट आपको उठानी है। लास्ट की 2 डिजिट आपको उठा के और ये देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 को आप देखते हैं, 8 हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 2 8, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या है, डिविजिबल होगा। 4 के बाद आता है बहुत सिंपल है, जो जिसको हम बोलते हैं 5। अगर 5 से हम देखें तो 5 से जो नंबर भाज होंगे वो कौन होंगे, या तो उनके लास्ट में 0 आ जाए या आ जाए 5। कोई भी नंबर आप उठा लें, 4, 5, 6, 7, 0 5 से डिविजिबल होगा, 3, 7, 5, 7, 5 कितना होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में यहां पर 5 है। और अगर लास्ट में 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगर हम देखें 5th नंबर पे हमारे पास है 7, तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 7 से भाज्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझ लेते हैं। फिर भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर कोई 3 अंक है ना, 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, जैसे 4, 5, 6, 4, 5, 6, अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना, देखिए यहां पर 3 डिजिट है और ये रिपीट हो रही है। देखो, जब 2 टाइम रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका डिविजिबिलिटी का रूल है।
अगर हम बात करें सिक्स नंबर पे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो 8 से हम डिविजिबिलिटी की रूल बात करें तो कोई ऐसे नंबर जिनकी लास्ट की 3 डिजिट 4 5 6 7 2 0, मान लो ये नंबर है, हमें ये देखना है कि अगर लास्ट की थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीट नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, हमको बताए 8 की टेबल में 72 आता है, 8 9 से 72 यानी के 90 हो गया। जब 8 से ये नंबर डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि हमको ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 7 में 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें अगर, तो 9 से और 3 से डिविजिबिलिटी का सेम रूल है, ध्यान रखनी है। यहां पर भी आपको क्या करना है कि जो भी डिजिट है, मान लो 4 5 6 7 1 कुछ ऐसे नंबर हैं, अब आप चेक करें कि इन सबका जो डिजिट है इनका सबका सम कितना आ रहा है। तो 5 प्लस 4 अगेन 9 हो गया, 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 7 कितने हो गए 22, और 22 प्लस 1 23 24 और हमें लाना थे, और हम ये ले लेते हैं 5 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 हमने इसलिए ले रहे हैं कि यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि इन सबका जो सम आ रहा है वो 20 कितना आ रहा है, 27। अगर 27 सम है तो ये हमको पता है कि 9 की टेबल में 27 आता है, अगर 9 की टेबल में 27 आता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। मतलब आपको अगेन वही जो 3 में आपने डिविजिबिलिटी का रूल देखा वही आपको 9 में अप्लाई करना है, सबका सम कर लेना है। सम करने के बाद चेक करना है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। उसके बाद एक और आता है, अगर आपसे पूछ ले 10 से डिविजिबिलिटी के रूल की बात करें, तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको बस ये देखना है कि लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। दैट्स इतना सिंपल है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज 11 से पूछ लेता है, 11 से डिविजिबिलिटी की रूल की अगर हम बात करें तो कोई नंबर है मान लीजिए आपके पास 4 5 3 2 1, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि अब इनके ऑर्डर इवन प्लेसेस पे जो इनका नंबर्स है उनका सम कितना आ रहा है। सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस पे देखेंगे, देखो यहां पर 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, और यहां हम देखेंगे इवन नंबर पे तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 7 प्लस 1 होगा 8। अब दोनों में देखिए यहां पर 8 माइनस 8 क्या आ रहा है 0, अगर मान लें कहीं ऐसा आ जाए कि 18 माइनस 7 कितना होगा 11, या 0 आ जाए उनका डिफरेंस, या फिर 11 आ जाए 22 आ जाए, तो वो नंबर अपने आप में 11 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऐसे नंबर आप उठा लें जिनके ऑर्डर इवन प्लेसेस पे आप उनका सम फाइंड करें, और सम फाइंड करके या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए 22 आ जाए, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। ये इस डिविजिबिलिटी का रूल है। डिविजिबिलिटी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आपको बस यहीं से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ एक चीज और हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, कहता है कभी कभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है, एक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। तो अगर आपको इकाई का अंक निकालना है, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 6 8 मल्टीप्लाई 3 2 1, अगर आपसे इकाई का अंक पूछे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई पे जो अंक आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो उनका आंसर होगा। लेकिन आपको इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, आपको क्या करना है जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू होती है इकाई पे है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा कितना होता है 6, 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 6 8 जा 48, अब 48 की मल्टीप्लाई आपको 1 से नहीं करनी है, आपको लास्ट नंबर क्या है 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करो 8 1 जा 8, तो यूनिट प्लेस आपका कितना हो गया, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 8 हो गई।
तो इसी तरीके से मान लो यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6 आ जाए, तो अब क्या करोगे, 8 7 जा 56 है ना, 8 7 56। अब आपको 56 की मल्टीप्लाई 5 से नहीं करनी है, आपको करनी है 6 की मल्टीप्लाई 5 से, 6 पंजे कितना आ गया 30। जैसे जीरो आ जाए फिर आप अपने काम को वहीं स्टॉप कर देंगे। जीरो आने का मतलब है कि अब यूनिट प्लेस हर हाल में जीरो ही होगा, यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी वो जीरो आएगी। ठीक, यहां से ये चीज क्लियर है, यूनिट प्लेस की वैल्यू आपको यहां से क्लियर कर लेनी है। आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपको रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी से, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें है घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। काफी हद तक इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, और एग्जाम में जरूर इस पे से क्वेश्चन आएंगे। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।